हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। गुवाहाटी प्रीमियर लीग के 17 मैच के बारे में बात करेंगे। मुकाबला सीसीसी वर्सेस बीसीसी के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ खेल रही है जो सीसीसी की टीम, रिसेंट के 4 मैचेस खेले हैं, चारों ही मुकाबले अपने हार कर आ रही है। दूसरी तरफ खेल रही है जो बीसीसी की टीम, रिसेंट के इन्होंने अपने 4 मुकाबले खेले, जहाँ पे देखोगे तो 3 विन किए, 1 मुकाबले अपने रिसेंट हारे। तो थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम बीसीसी की टीम देखेंगे तो क्या कुछ इनकी प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर विद जो रिसेंट फॉर्म रहेंगे, और खास करके जो भी हमारे लॉजिक बेसिस पे डिफरेंशियल प्लेयर हैं उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस मैच में ड्रीम इलेवन पे इन्वेस्टमेंट करें, वो चाहे स्मॉल लीग में हो या फिर ग्रैंड लीग्स में हो, तो क्या कुछ आपके स्मॉल लीग की टीम्स और ग्रैंड लीग्स कॉम्बिनेशन रहेंगे, सीबीसी के डिफॉल्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलेगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। और गाइस, सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस वगैरह होंगी इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते हैं। वैसे भी गाइस, आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इनके प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सीरीज़ का ये 17 मैच, जो कि आपको ये मुकाबला 5 बजे करीब में शाम को मैचेस शेड्यूल्ड है, अभी से लगभग 1.5 घंटे बाद ये मैच स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ी सी शॉर्ट प्रीव्यू करेंगे, एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप अपने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स क्रिएट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छा प्रॉफिट इस मैच में कमा पाओ। सबसे पहले देखो इनकी वेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो जुदगेस फील्ड गवाती के अंदर ये मैच दिखेगा, जहाँ पर रिसेंट सीरीज़ के बाकी के 16 मैचेस खेले गए और एवरेज स्कोर 130-150 के आसपास में ही स्कोर बनेगा। पिच कंडीशन पूरी तरह से बैलेंस्ड, थोड़ी सी ऑलमोस्ट बॉलिंग से पेसर्स को अच्छी हेल्प मिली है, तो पेसर्स वैसे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ज़्यादातर बॉलिंग ऑप्शन से पेसर्स ही हमारे पास है, जो भी टीम इस वेन्यूज पर अभी तक टॉस देती है ज़्यादातर आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी फैंटेसी टीम्स स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की होती हैं इसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप एड्रेट फैंटेसी क्रिकेट फैन सर्च करके भी जुड़ सकते हो, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जुड़ जाओगे। अब देखो, इस मैच में थोड़ी सी यहाँ पे जीतने के चांसेस मुझे बीसीसी के ज़्यादा ही दिखे हैं, लगभग 70% जीतने के चांसेस बीसीसी के पास रहेगा। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम पंचेबल में, रन रेट में भी नंबर 1 पे, बाकी देखोगे तो काफ़ी अच्छी इनकी टीम परफॉर्मेंस भी दे रही है। देखो सबसे पहले इनकी टीम की ओर से, यहाँ पे आपको प्रकाश नजर आएंगे जिसमें ये ओपन बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। देखो ये लेफ्ट हैंडर बैटिंग के लिए आते हैं, जिसमें ऑफ ब्रेक बॉलिंग और लास्ट मैच में 38 का स्कोर करके 1 विकेट्स भी निकाले। 3 से 4 ओवर इनकी बॉलिंग रहेंगे। टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर से इसे पहले के भी खेले गए मैचों में 80+4 विकेट्स, 22+1 विकेट्स रहा था, जिसमें अगर आप देखो तो बॉलिंग से 3 से 4 ओवर कराएंगे तो 1 से 2 विकेट्स आपको इस मैच में निकाल कर देंगे। बैटिंग से भी 20 और 30 के आसपास इनसे बैटिंग से रन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो सीबीसी अगर आप ग्रैंड लीग्स मिनी जेल टीम्स में करके जाओ, इनके अलावा अगर आप हो सके तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ऋषभ दास दिखेंगे ना, देखो ये राइट हैंडर बैट्समैन और ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, टीम की ओर से लीड कर, लास्ट मैचों में 93 आया था, इससे पहले 9 उसका 29 और 23 का स्कोर है। 34 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे टोटल 594 रन, 19 का औसत दिखेगा। टीम्स की ओर से कैप्टनसी भी करा रहे, सेफ बैटिंग ऑप्शन आपको दिखेंगे जो हमारे स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर लेकर जाएंगे। ग्रैंड लीग्स वगैरह में आप सीबीसी वगैरह भी करके जाओ। वही अगर हम यहाँ पर रोहित की अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंडर बैट्समैन और ऑफ ब्रेकर बॉलिंग के लिए आते हैं, पार्ट टाइम इनकी बॉलिंग रहेंगे, पर जो बैटिंग है वो ठीक ठाक है। वो फर्स्ट मैच में इनका 78 आया था, उससे पहले 3 1 विकेट्स 2 ओवर्स के बॉलिंग, इससे पहले भी 22 और 14 का स्कोर आपको दिखेंगे, जिसमें बैटिंग से जो औसत वो ठीक ठाक आपको दिखेंगे। तो वैसे भी रविदास और यहाँ पर रोहित मेसन की एक के साथ जाएंगे, अगर फर्स्ट टीम में टीम इनकी बैटिंग कराती है तो यहाँ से दोनों ही बैटिंग हमारे लिए काफ़ी सेफ चॉइस रहेंगे। बाकी अंकित सिंह रैलीस के टीम्स में रखते हैं, लास्ट मैचों में 17-0-33, से पहले सिर्फ 15 रन का स्कोर था, भी उतना भी खास अच्छा बैटिंग इनका नहीं दिखेगा, बॉलिंग करा नहीं रहे, तो रखने से मुझे खास कोई प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा नहीं। बाकी अगर हम यहाँ पे नवीर की बात करेंगे, 10 मैचेस 228 रन 25 का औसत, रिसेंट मैचों में DNP रहे, इससे पहले इनके मुकाबले खेले गए थे जहाँ पे 16 का स्कोर विकेटलेस है, वन विकेट्स है, जिसमें 1 से ज़्यादा ओवर के बॉलिंग नहीं कराई, इससे पहले 23 और सिर्फ 16 रन ही दिखेगा। ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रखते हैं, खेलती भी हैं, तो यहाँ से अभी आप इन्हें इग्नोर करके ही जाओ। कुशल गिरी की अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम में भी बॉलिंग के लिए आएंगे, रिसेंट के 2 मैचेस खेले, 23 उसके बाद ना बैटिंग ना बॉलिंग है, 67 मैचेस खेले, टोटल 622 रन, 33 का औसत और टोटल 44 विकेट्स भी यहाँ पे दिखेंगे, तो बॉलिंग से भी फ्लॉप है, ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रखो। दत्त की अगर हम बात करेंगे तो ये राइट मीडियम बॉलिंग के लिए आते हैं, लास्ट मैच में विकेटलेस रहे, बैटिंग से डक पर भी आउट गए, इससे पहले भी देखो तो 2 विकेट्स 4 ओवर्स बॉलिंग विकेटलेस आ रहे हैं। अब देखो जो बॉलिंग इनका ना अच्छा ना बैटिंग, और बैटिंग ऑर्डर भी देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत नीचे दिखेगा, जो कि 7 से 8 नंबर के लिए है, तो रखना उतना सेफ नहीं रहेगा फिलहाल, अभी इनको यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे। अब देखो अभिलेश की अगर हम बात करेंगे, 77 मैचों में 91 विकेट्स रहा, रिसेंट फॉर 1 विकेट्स, विकेटलेस 1 विकेट्स, ग्रैंड लीग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर फर्स्ट टीम में टीम बॉलिंग कराती है तो आप रिस्क ले सकते हो।
फिर भी अभी हम इन्हें ग्रैंड लीग्स वगैरह में रखेंगे। इस मैच की टीम के जो मेन बॉलिंग शर्मा, कृष्णा दास और इनके अलावा अगर हो सकते तो दर्शन के साथ आप जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे और शर्मा रहेंगे। देखो इन्होंने 51 मैच में 75 विकेट्स निकाले, एक दार टीमों में सीबीसी वगैरह भी करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग आते हैं। फर्स्ट मैच में 4 विकेट्स रहा था। कृष्णा दास का अगर देखो तो 11 मैचों में 4 विकेट्स जीते, ये उतना खास अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पर दर्शना को आप टीम्स में ज़रूर से पिक करना, जो कि फर्स्ट मैच में भी 2 विकेट्स और सेकेंड मैच में 2 विकेट्स आए, 4 ओवर पूरे बॉलिंग कराएंगे। डेथ में भी बॉलिंग इन्होंने लास्ट मैच में डाला था, तो इनको लेकर जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी के जो बेंच ऑप्शंस प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलता है तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टार्ट्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा ही देंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो ज़रूर से जुड़ जाना। अब यहाँ पे जो सीसीसी की टीम है, देखो राहुल इनके टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग, जो लास्ट मैचों में 64, इससे पहले 49 और लास्ट मैच में डकवर आउट हुए थे। हालांकि इन्होंने 7 मुकाबले खेले, 277 रन, 29 का औसत है। किटोनी इनके साथ भी ओपन है, जो रिसेंट मैच में 2-2 इससे पहले 33 और सिर्फ 6 रन ही था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट राहुल दिखेंगे, अभी आप इन राहुल के साथ ही जाओ। आप इन्हें जीएल वगैरह में, आप इन्हें सीबीसी वगैरह भी कर सकते हैं। और ब्रह्मन इस मैच में खेलते हैं, देखोगे तो 13 मैचों में 124 रन, 17 विकेट्स तरह। फर्स्ट मुकाबला ना बैटिंग ना बॉलिंग, इससे पहले 1 रन का स्कोर, 2 विकेट, जिसमें बॉलिंग से इनकी ओवर्स भी कटे, ठीक ठाक बॉलिंग बैटिंग इनका है, तो सेफ चॉइस रहेंगे। आप इनको यहाँ से अपने स्मॉलिंग में आप पिक कर सकते हैं। वही अगर हम यहाँ पर रहमान की बात करेंगे तो विकेट कीपिंग आते हैं, 23 मैचों में 198 रन, 15 का एवरेज, रिसेंट मैचों में 14-8, इससे पहले सिर्फ 1 रन था। ना बैटिंग ना बॉलिंग, पूरी तरह से फ्लॉप रहे तो ड्रॉप करके जाएंगे। अब यहाँ पर जो मीट का भी बात करेंगे तो खेले गए मैचों में मिडल ऑर्डर बैटिंग के लिए आए, 7 मुकाबले, 45 रन, सिर्फ 6 का एवरेज है, तो इन T20s के अंदर भी फ्लॉप रहे। अभी आप इन्हें भी यहाँ से ड्रॉप करके ही जाना। बाकी रुमायूं शर्मा खेले गए मैचों में पार्ट टाइम बॉलिंग, इससे पहले 23 प्लेस से स्कोर, 9-19 का स्कोर है। ग्रैंड लीग्स के ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, अभी आप जीएल वगैरह में ही रखो। अब इस टीम की अगर हम मेन बॉलिंग की बात करें तो सिद्धार्थ शर्मा है। बाकी अभी आप देखो मयूख को तो जीएल वगैरह में ही रखो, लास्ट मैच में सिर्फ 8 रन था, इससे पहले विकेटलेस आए, 2 ओवर्स के बॉलिंग, इनकी ओवर्स भी कटे थे। फर्स्ट मैच में 13 का स्कोर, 2 विकेट्स था, बाकी के उसके बाद के 3 मैचेस के लिए तीनों ही मुकाबले में फ्लॉप रहे। सिद्धार्थ शर्मा मेन बॉलिंग है, 6 मैचों में 8 विकेट्स और खेले गए, फर्स्ट मैच में 23, 2 विकेट्स, उसके बाद इनका 1 विकेट्स रहा, तो एज अ बॉलिंग इनको अभी आप इस मैच में लेकर जाएंगे। अभिजोत सिंह का भी देखो तो 35 मैचों में 43 विकेट्स, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे। लास्ट मैच में 16 का स्कोर, 3 विकेट्स, इससे पहले भी 25, 3 विकेट्स, सीबीसी वगैरह के बेस्ट चॉइस। अगर आप चाहो तो स्मॉलिंग में भी कर सकते हो, इनके अलावा ग्रैंड लीग्स और मिनी जेल टीम्स वगैरह में भी हम इन्हें करके जाएंगे। गोस्वामी का 17 मैचेस में 20 विकेट्स रहा था, जो रिसेंट फॉर्म विकेटलेस, पर इससे पहले 1 विकेट्स आया, और ये राइट मीडियम ही बॉलिंग कराते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों जौहरी की अगर हम बात करेंगे तो 19 मैचेस, 14 विकेट्स, रिसेंट फॉर्म में 4 विकेट्स रहा, 3 से 4 ओवर बॉलिंग है। अब यहाँ पर गोस्वामी नहीं तो अभी जौहरी में से किसी के साथ तो हम चलेंगे ही। बाकी के जो बेंच ऑप्शंस प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलता है तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। बाकी बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। अब गाइज देखो मैंने ऑलरेडी रिसर्च बेसिस पे इस टीम को क्रिएट करके रखा था, प्रीव्यूस आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम टीम्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टॉस के बाद अगर हमारे टीम में चेंजेस होंगे, जिसकी पूरी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर हम सीबीसी ऑप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो अभिजोत सिंह ठीक ठाक ऑप्शन है, जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छे इन्होंने पॉइंट्स दिए। इनके अलावा वाइस कप्तान अगर आप जाओगे यहाँ पे प्रकस्ता के साथ हम जाएंगे, वाइस कप्तान, 23% सिलेक्शन है, सेम टीम्स के साथ इन्वेस्टमेंट। और टॉस के बाद जो भी हमारी फाइनल अपडेटेड टीम्स होंगी, इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही देंगे, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज्वाइन करना। बाकी विजन 11 नहीं डाउनलोड किया तो कर लेना, एक ही रिक्वेस्ट है, इनवाइट कोड FC के साथ साइन अप करोगे तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे गाइज। और हाई इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन आपको विजन 11 के लिए टीम काफ़ी बेहतरीन है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करना, काफ़ी स्मूथ और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम जितने भी इन्वेस्टमेंट करें विजन 11 पे करें, लगातार प्रॉफिट मिल रहा है, तो अभी एक बार आप भी ट्राई करके देखना, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा।